मैं मुकेश गौर, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ से। आज हम ग्राम सुखली, जो नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, मैं राजेंद्र सिंह राजपूत जी के खेत पे आए हैं, जो अपनी सफलता की कहानी खुद की जुबानी आज सुनाएंगे संतरे के बगीचे के ऊपर। जी नमस्कार राजेंद्र सिंह राजपूत। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम सुखली, नरसिंहगढ़ ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। जी राजपूत जी, हमें बताइए, जो आपने ये बगीचा लगाया है संतरे का, कब लगाया था और कितने बीघे में लगाया है आपने? ये बगीचा लगाया था मैंने सन 2008 में जी, और ये लगा है 6 बीघे में जी। अभी वर्तमान में कितने पौधे हैं इसमें? वर्तमान में इसमें है 480 पौधे। 480 पौधे हैं जी। कितनी दूरी पे लगा हुआ है आपका बगीचा? ये 18 फीट की दूरी पे है। 18x18 पे लगा हुआ है जी। जी आप हमें बताइए कि ये बगीचा कब से आ रहा है आपके यहाँ? ये बगीचा आपने फल देने लगा था सन 2013 से जी, मतलब 5 साल के पौधे इसमें आ गए थे जी। जी और कितने का बगीचा बेचा है इस बार आपने? इस बार ये बिका है 10,51,000 रुपये में। 10,51,000 का जी, वाह बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपका कितना खर्च हो जाता होगा? इसका एक साल का खर्च हुआ, इस साल का 1,00,000 रुपये का। 1,00,000 रुपये का खर्च होता है जी, मतलब 9.5 लाख रुपये आपको नेट प्रॉफिट मिलता जी, है इस बार। जी इस बार जी। नेट प्रॉफिट मिला है। इसमें क्या है कि जैसे गर्मी के टाइम पे गोबर खाद और अपना जो रासायनिक खाद है, उर्वरक खाद, ये भी सब मिला के इसका खर्च हो जाता है जी। जिसमें अपने DAP है, पोटास है, उसके बाद बोरान है, जिंक है, ये सब चीज़ें इसको देते हैं जी। जी आप जो किसान, दूसरे किसान भाइयों को संतरे के बगीचे या बगीचे लगाने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, कृपया कर बताइए जी। मैं कहना चाहूँगा किसान भाई से कि अपने पास अगर जमीन 6 बीघा है तो उसमें 1 बीघे का अपने को बगीचा लगाना चाहिए, संतरे का ये लगाना चाहिए, इसके बाद में जामफल का बगीचा लगाना चाहिए, जो भी अपने को सूट हो वो बगीचा लगाना चाहिए। इससे क्या है, अपने को ये जो फल का इनकम रहती है किसान के लिए, वो साइड इनकम रहती है। जैसे अपने गेहूं चने की फसल है, सोयाबीन की है, वो तो अपने आती ही है, लेकिन ये फसल भी अपने को मिल जाती है जी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।